गणपति बप्पा मोरिया आज 1.5 दिन के गणपति हैं जो जाने वाले हैं, और आज उनके लिए भोग लगाने के लिए मैं ड्राई फ्रूट और मावा का मोदक बनाने वाली हूँ, ड्राई फ्रूट और मावे के। तो आप देखें, फटाफट जाने का टाइम हो गया है और जल्दी से हम मोदक तैयार कर लेते हैं गणपति बप्पा के। तो इसके लिए मुझे थोड़े सा 1 टेबल स्पून घी चाहिए, जो मुझे ड्राई फ्रूट हल्के से चलाने हैं जिससे वो क्रंची हो जाए। तो ये मैंने इसमें लगभग 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लगभग 2 टेबल स्पून बादाम, उतने ही ये पिस्ता, ये काजू और ये है चिरौंजी। इनको थोड़ा सा मैं हल्का सा भून लूंगी जिससे ये क्रंची हो जाए। लगभग 1 मिनट अल्टी पल्टी करना है, ज्यादा हमें नहीं भूनना। डेढ़ दिन के गणपति जाने वाले हैं तो मुझे जल्दी से फटाफट मोदक बनाने हैं, तो हम बनाने जा रहे हैं। ये आप देखें, ये ड्राई फ्रूट ऑलमोस्ट हो गए हैं। अभी ये देखिए, मैं इसमें मावा डाल रही हूँ। मावा को भी मुझे थोड़ा सा अल्टी पल्टी करना है। आप देखें, हमारे बॉम्बे में मावा बहुत अच्छा आता है और इतना बढ़िया क्वालिटी का मावा आता है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं रहती और प्योर और अच्छा मावा आता है। तो ये देखें, ऐसे ही मुझे बस ज्यादा कुछ नहीं करना, अल्टी पल्टी ही करना है बस। अब इसके साथ में ये मावा हो गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून शुगर। ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि मावा में भी लगभग शक्कर होती ही है। ये देखें आप कि इसने कितना घी छोड़ दिया है मावा ने। देखिए, ये फाइनली तैयार है और मावे ने कितना सारा घी छोड़ दिया है। अभी इसको मैं प्लेट में निकाल के और सांची में, ये देखिए ये ऐसा सांचा है, इसको सांची में डाल के और मोदक बना लूंगी। तो 2 मिनट में ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे तो अच्छे हमारे मोदक बनेंगे। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स और मावा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मोदक मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको केसर की पत्तियों से गार्निश कर रही हूँ। आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं कि मोदक। अब हमारे पापा आज 1.5 दिन के विसर्जित हो रहे हैं तो उनके लिए प्रसाद बनाया है। आप सब लोग खाइए, एंजॉय कीजिए।